कुमाऊं आईजी नीलेश आनंद भरड़े ने कुमाऊं मंडल के 6 जिलों के 71 थानों के 607 बीट पर सिपाहियों को कानून व्यवस्था और आपराधिक गतिविधि पर निगरानी करने जैसे 44 कामों की जिम्मेदारी दी है। कुमाऊं आईजी नीलेश आनंद भरड़े का कहना है कि सालों बाद दोबारा से बीट पुलिसिंग को एक्टिव किया जा रहा है, जिसके घर घर तक पुलिस की पहुंच और अपराध पर लगाम लगाई जा सके। आईजी ने सभी 20 कर्मचारियों को अपनी बीट पर पंफलेट बनाकर हर घर पर लगाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें कि बीच अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर अंकित होगा, जिससे किसी भी छोटी से छोटी समस्या के लिए पुलिस की मदद ली जा सकेगी। इसके अलावा क्षेत्र में हो रहे गलत कामों पर भी नियंत्रण होगा। आईजी नीलेश आनंद भरड़े ने बताया कि कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में 71 थानों में कुल 607 बीट हैं, जिनमें बीट अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं और सभी बीट अधिकारियों की हर महीने समीक्षा होगी, जिसके आधार पर उनका अप्रेजल भी तय किया जाएगा। जो नई स्थानांतरण नीति आई उसके बाद कई जो है पहाड़ से प्लेन, प्लेन से पहाड़ कई स्थानांतरण हुए। अब इसके बाद जो है हमारी जो है लगभग अभी सेटल हो चुके जो सिपाही आने थे, अब कोई स्थानांतरण नहीं हुआ। लंबे समय तक सिपाही अभी अपनी जगह बने रहेंगे। तो अभी जो ये कुछ नए थाना चौकी सैंक्शन हुए, हमारी एक आगे ई बीट पुलिसिंग भी आएगी, तो इसके लिए हम तैयारी के लिए अभी बीट सिस्टम हमने लागू कर दिया है, जिसमें हर बीट में जो है कम से कम 2 कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। बड़ी बीट है तो 3 कर्मचारी भी तैनात किए जाएंगे। चीता मोबाइल को भी बीट दी जाएगी। तो पुलिसिंग के जो प्रमुख कार्य है, जिसमें गिरफ्तारी है, बरामदगी है, जो सर्विलांस है क्रिमिनल का, हिस्ट्री शीटों की सर्विलांस है, जो सक्रिय अपराधी है उनको घर में जाके चेक करना है, दबिशें देनी है, वारंटों की तामील करानी है और सत्यापन कराना है, जो प्रमुख पुलिसिंग के कार्य है वो सारे बीट पुलिस बीट क्षेत्र में कराएगा। और उसके अलावा अगर कोई अन्य काम है, जैसे कि वरिष्ठ नागरिक गण है, इनसे संपर्क करना होता है, इनको कोई मदद की ज़रूरत है, महिलाओं को, कॉलेज के बच्चों को, तो बीट अधिकारी हर घर में अपना स्टिकर चिपकाएगा, जिसमें हर घर पुलिस एक अभियान चलाएंगे, जिसमें हर घर में बीट अधिकारी अपना स्टिकर चिपकाएगा, ताकि हर एक घर को पता रहे कि उस क्षेत्र का बीट अधिकारी कौन है, उनका मोबाइल नंबर और नाम क्या है, ताकि कभी भी रात बेरात भी ज़रूरत पड़ती तो वो संबंधित जो है बीट अधिकारी को कॉल करेगा तो तत्काल आ जाएगा, क्योंकि वो वहीं उसी एरिया में रहने वाला हुआ हो। बीट अधिकारी अगर उस एरिया में उसको दायित्व दिए गए, परफॉर्मेंस दिया गया, हम उसको ट्रेनिंग भी दी गई है पूरी, उनको नरेंद्र नगर भेज के उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई पुलिसिंग को, चीता मोबाइल को, कि बीट क्षेत्र में कैसे कार्य करना है। और किसी भी आरक्षी का प्राथम दायित्व तो बीट ही होता है जब वो भर्ती की जाती है। अगर वो ये अपना रोल परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसको जो फील्ड पुलिसिंग से हम हटा देंगे, उसको फिर नॉन फील्ड में ले आएंगे उसको।